What do you want to say about Singham? साइबर सिंगम जो कि एपेक्स प्राइम पे आने वाला है, मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट की. और प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जो है आईपीएस ऑफिसर, उनका ये कैरेक्टर प्ले करने का मुझे मौका मिला. और ये बड़ी गर्व की बात है क्योंकि 15 अगस्त है और उस दिन रिलीज़ हो रहा है. पारस और शोमिता जी ने जो मेहनत की है, जो हम लोगों से मेहनत करवाई है, वो ऑन एयर आ रही है इस ऐप पर जिसका नाम है एपेक्स प्राइम. बड़ी गर्व की बात है कि ऐसे दिन ऐसी सीरीज रिलीज हो रही है. आई एम वेरी हैप्पी. क्या कुछ देखने को मिलेगा हमें इस साल? सी, आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो कोरोना के टाइम पे ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, हर जगह पर ये ऐसा हो रहा है. छोटे शहर, बड़े शहर, हर जगह पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यू नो, चाइल्ड मोलेस्टेशन, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो साइबर क्राइम, ऐसे जो केसेस हैं जो डे बाय डे पेंडिंग चले जा रहे हैं. और वहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनका नाम प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह है, जिन्होंने ऐसे केसेस को हाथ में लिया और देखते देखते बहुत सारे केसेस एकदम सॉल्व किए. हाँ बिल्कुल मैम, क्योंकि जहाँ पर हम शूट कर रहे हैं ओरिजिनल लोकेशंस हैं, फाइट सीक्वेंस थे, चेजिंग थी. अपने आप में पुलिस वाले का रोल करना गर्व की बात है, क्योंकि वही सबसे पहले लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे शहर की. कुछ भी हो, कुछ भी करना हो, तो सबसे पहले पुलिस को ही यू नो इन्फॉर्म या उनके पास जाना पड़ता है मदद के लिए. तो एक पुलिस वाले का कैरेक्टर प्ले करना अपने आप में ही गर्व की बात है. इसमें ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है. अभी जैसे कि ये मोलेस्टेशन के ऊपर है, जैसे लड़कियां गायब हैं, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार सोशल मीडिया को माना जा रहा है, तो आपका क्या राय है? नहीं 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 नहीं, सोशल मीडिया, हर चीज सोशल मीडिया के ऊपर नहीं मैं डालता हूँ. ये लोग हैं, पैसे के लिए करते हैं, कमाने के लिए करते हैं, और उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी इंसान की जिंदगी जा रही है या किसी बच्चे की जिंदगी जा रही है. उनके लिए मैटर करता है पैसा. ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना वो सिख है, ना वो ईसाई है. वो सिर्फ क्राइम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए. कोई मैटर नहीं करता कि कोई किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की बहन है. उनके लिए मैटर करता है सिर्फ पैसा. और वो सोशल मीडिया से बिलोंगिंग बिल्कुल नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है कि सोशल मीडिया की वजह से लड़कियां या लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसलिए ऐसा क्राइम बढ़ रहा है. नहीं, ये जैसे कि फ्लिपकार्ट ट्रेलर में देखने को मिला कि जैसे जो फेसबुक पे मिलते हैं, ट्विटर पे मिलते हैं, तो ज्यादा लड़कियां वहां से गायब हो रही हैं. सी, आपको यही चीज सोचनी पड़ेगी, जो क्रिमिनल है वो अपने काम करने के तरीके भी बदलते हैं. पहले वो किडनैप करते थे, अब वो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को फंसाते हैं. सोशल मीडिया इसका मतलब प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग प्रॉब्लम है. सोशल मीडिया थोड़ा ना कह रहा है कि आप लड़की को फंसाओ, उसको बुलाओ और उसके बाद उसे उसके साथ क्राइम करो, उसे बेच दो. वो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं. सोशल मीडिया एक ब्लेसिंग है लोगों के लिए. आज के टाइम में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो सोशल मीडिया का सहारा लेता है. मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, भाई देखो जी मैं, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये देखिए ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है. हम सोशल मीडिया पे इसका ये फायदा ले सकते हैं. किसी को जानना है, किसी को पहचानना है, किसी के बारे में सुनना है या कहना है, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही होता है. हम सोशल मीडिया को इसका वो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि अरे लड़कियां फेसबुक पे काम, सॉरी अकाउंट्स पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर वो अपनी फोटोग्राफ्स या अपने बारे में इंफॉर्मेशन डालती हैं या लोग कोई भी डालते हैं, तो इससे इसकी वजह सोशल मीडिया नहीं. आदमी क्राइम करता है, इंसान क्राइम करता है. अच्छा, मतलब आदमी या औरत कोई भी, सब मिलजुल के क्राइम करते हैं. जैसा कि साइबर सिंगम में हमें देखने को मिलेगा साइबर क्राइम के बारे में भी, तो जैसे कि पूरे दुनिया में डिजिटल दुनिया हो रही है, वो भी एक मुद्दा है साइबर क्राइम का. सी, देखिए बात ये है कि क्रिमिनल को जो जो चीज़ें मार्केट में आएंगी, जैसे कि आप कोई भी मोबाइल आता है, आप उसे यूज़ करना सीख जाते हो, वैसे क्रिमिनल भी है. जैसे जैसे लॉज या जैसे जैसे फैसिलिटीज़ आ रही हैं, वो उस हिसाब से क्राइम करता है. चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो. साइबर क्राइम क्या है? आप कोई भी ऐप आपको ये नहीं कहता है कि अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, अपने पासवर्ड या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो आप किसी को बताएं. लेकिन लोग लालच में आकर चीज़ें करते हैं. हाँ, आपका प्राइस निकलने वाला है, आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स बताइए, लोग बता देते हैं लालच में आकर और वहीं फंस जाते हैं. कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? और वही सेम चीज़ सोशल मीडिया में भी आता है कि
मुझे अच्छा लगा, मैंने अपनी फोटोग्राफ किसी भी तरह से कोई भी कपड़ा पहन के मैंने वो डाली, अब लोग उसे किसी तरीके से ले जाते हैं, अरे यार ये तो एक्सपोज कर रही है, ये तो एक्सपोज कर रहा है। अभी जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है कि रणबीर सिंह राइट, उसने अपनी एक फोटोग्राफ डाली थी, हाँ एक मुझे वो कहीं से न्यूड नहीं लग रही है, मतलब वो एक बोल्ड फोटोग्राफ है लेकिन अगर न्यूड होती तो सेंसर वाले खुद ही उसे सेंसर कर देते, वो सोशल मीडिया पे आती नहीं। अगर कोई भी न्यूड फोटोग्राफ डालेगा तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग उसे मतलब आगे बढ़ाएंगे, उसे तो आप काटेंगे ना। ये तो एक उसने अपना शायद कोई नया कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, जो कि हालांकि वो भी आज के टाइम में थोड़ा सा बोल्ड था, बट नेवर माइंड। बट ये नहीं है कि सोशल मीडिया हर चीज़ के लिए है कि अरे ये हो गया तो सोशल मीडिया की वजह से, ये हो गया तो सोशल मीडिया की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है बॉस। जिस इंसान को क्राइम करना होता है वो किसी भी चीज़ का सहारा लेता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो रास्ते हो, चाहे वो गाड़ी हो। अब वो गाड़ी में कोई क्राइम करके लेके जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि गाड़ी ने क्राइम किया है, वो इंसान ने क्राइम किया है। तो आई थिंक कि क्राइम को रोकना चाहिए, हम सबका फर्ज है। जैसे कि पहले ही मैंने कहा कि भाई वर्दी पहनना ही अपने आप में गर्व की बात है। भाई मैं तो बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि वर्दी पहनकर मुझे ये काम करने का मौका मिला, एंड और आगे भी करता रहूँगा। थैंक यू, थैंक यू। पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग आए, अपना प्यार दिया और ट्रेलर को देखा। तो आपके मैं सवाल पे आऊँगा कि आपने ट्रेलर देखा, एक उसमें हम रियलिटी दिखाना चाह रहे थे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे जितने केसेस हो रहे हैं डे टू डे एवरी सेकेंड, लोगों को इसकी चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है। लोगों को लगता है कि ठीक है किसी के साथ इंसिडेंट हो गया, हुआ, पुलिस गई, पुलिस से काम किया, बट उसके पीछे इतना भागा दौड़ी होती है ना कि आप सोच के भी नहीं सोच सकते कि पुलिस वालों पर क्या बीतती होगी। तो वही हम मीडिया में जो दिखाना चाहते थे। मैं इसके अंदर SHO अखिल प्ले कर रहा हूँ, जो त्रिवेणी सिंह के राइट हैंड रहते हैं, बेसिकली जो IPS रहते हैं उनसे PRO रहते हैं। सो आई एम प्लेइंग एज अ PRO एंड SHO। जो त्रिवेणी जी हैं उनके साथ रहेगा ये, बेसिकली जितने भी फील्ड है वर्क या उसके नीचे जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं वो उनको हैंडल करेगा, या जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी आपको त्रिवेणी जी को डॉक्यूमेंट्स पहुँचाने वो सब यही काम करेगा। थ्रू आउट केस की डिटेल्स जहाँ पर बनेगी वो त्रिवेणी जी को जाकर देगा। नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा केस नहीं हुआ, ना मैं कभी ऐसे किसी विक्टिम से मिला, बट जब मैं त्रिवेणी जी के साथ बैठा था, जब उनकी स्टोरी सुन रहा था, तो वो स्टोरी सुनते हुए मेरे को इतने गूज़बम्स आए कि मैं आई कुडंट रिलेट दैट थिंग कि ऐसा भी होता है। हमने फिर भी सिनेमैटिक के हिसाब से थोड़ा बहुत दिखाया, बट अगर आप रियलिटी में अगर उनकी स्टोरी सुनेंगे तो एटलीस्ट आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। सॉरी कम अगेन आई, सी बेसिकली आजकल जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं साइबर को लेके वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रहे हैं। आप कहीं भी फ्रॉड का देख लो, अगर आप कहीं भी कॉल करते हो, कई बार क्या होता है आप कॉल तो किसी कंपनी में कर रहे हो बट वो रीडायरेक्ट होकर कहीं नंबर आपका कहीं और मिल जाता है। जैसे eSIM स्वैपिंग होती है जो हमारे पहले सीजन में भी था, आपके सिम स्वैप हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका क्लोन बन चुका है सिम का, या आपने कभी कहीं ऑर्डर किया जोमेटो पे या आपने कहीं पे ऑर्डर किया बट आप जब कॉल सेंटर में कॉल कर रहे हो तो आपको पता लगा कहीं और से आपसे पूछ रहे हैं। और कुछ लोगों के पास हमारे यहाँ पर क्या है, एडुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई है, तो मोस्टली जो भी टारगेट किया जाता है वो ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर रिमोट एरिया ज़्यादा ना हो या लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस ना हो। तो क्या होता है लोगों को बेवकूफ़ जल्दी बनाया जाता है और लोग क्या होता है ऐसी चीज़ों में झांसों में उनके आ जाते हैं और वो उसी चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं। आजकल देखा जाए तो इतने स्कैम्स होते हैं, आपको एक आपको लिंक आ जाएगा कि हाँ ये यहाँ से है या यहाँ से, आपने बस वो लिंक दबाया और आपका फ़ोन पूरा उसके अंदर ट्रैप हो गया और आप उसके अंदर फंसे हो जाते हैं। डेफिनेटली इट्स अ वेरी चैलेंजिंग रोल बिकॉज इट्स अ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर की वर्दी में आकर आपको वही चीज़ को एटिकेट और वही चीज़ को देख के सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आपको सब आपको आगे जाना है। तो डेफिनेटली इट्स वेरी टफ टू प्ले एज अ कॉप,
नो डाउट हर करेक्टर अलग होता है, बट एज अ कॉप आपको अपना जस्टिफाई करवाना ताकि इंडियन ऑडियंस जो हमारी बाकी ऑडियंस है वो उसको एक्सेप्ट करे भी कि हाँ नहीं जस्टिफाइड हुआ, क्योंकि कॉप के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, अप्स डाउन्स होते हैं, वो हमको सबको करना पड़ा, इट्स टफ जॉब। आपके हिसाब से साइबर क्राइम क्या है? मेरे हिसाब से साइबर क्राइम क्या है, सबसे पहले बोलूँगा कि साइबर क्राइम सबसे बड़ा ये है, तो जितना भी सोशल मीडिया कंटेंट है जो इंटरनेट है सबसे बड़ा क्राइम वही है। नो डाउट आज की जनरेशन जो है, आज का जो यूथ है वो सिर्फ फ़ोन पे या इंटरनेट पे जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं, अगर आप थोड़े से सतर्क हैं, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों से आप थोड़ा सा साइड हो सकते हैं। और डेफिनेटली जी मैं बोलूँगा वंदे मातरम, 75 साल हुए हैं, आने वाले ऐसे कई हज़ारों साल हमारे ही भारत के नाम पर हों और ऐसे ही सबका प्यार मिलता रहे, एक दूसरे के साथ भाईचारा बना रहे, बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसा लगा टेलर आपको? साइबर सिंगम के बारे में हेलो साइलेंट रोलिंग ओके हाय साइबर सिंगम के बारे में क्या कहना चाहिए? जैसे कि पारस जी ने बोला सबसे बड़ा साइबर सिंगम तो फ़ोन है, फ़ोन के थ्रू ही सब होता है। जैसे कि आजकल इंटरनेट बहुत तेज़ी से चल रहा है, बच्चे लोग, इवन छोटे छोटे बच्चे लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, उन लोगों को पता नहीं होता है कोई मतलब ट्रैप कर रहे होते हैं या कुछ, ऐसे ही बच्चे लोग फंस जाते हैं। आप अपना थोड़ा रोल बताना चाहेंगे साइबर सिंगम में, आपका क्या करेंगे? ओके मैंने ये पुलिस का किरदार पहली बार किया है और मेरा रोल है, एक रोल का नाम है प्रेमा भुटिया, जो नॉर्थ ईस्ट की एक पुलिस अफसर है, जो त्रिवेणी और जो भी है उनको हेल्प करने के लिए। जैसे कि इसमें देखा गया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, तो आपने कभी किसी से विक्टिम से मिले हो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो? हाँ ऐसे केसेस तो बहुत सारा होता है, पर मैं पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। तो इसको कैसे स्टॉप किया जा सकता है, थोड़ा कुछ बताना? ये तो कैसे बता सकते हैं, ये तो हो ही रहा है और बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा है ये चीज़, तो बस फ़ोन ही है जो हर चीज़ आगे बढ़ा रही है। थैंक यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस इन एडवांस। थैंक यू। दोनों से सवाल पूछिए। आई थिंक काफ़ी अच्छी डेट है कि 15 अगस्त को रिलीज़ हो रही है और काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, पारस के साथ मैंने पहले भी काम किया, ही इज़ रियली टैलेंटेड एंड अब और भी देख के अच्छा लग रहा है दैट शौमिता एंड पारस बोथ आर प्रोड्यूसिंग अ वेब सीरीज। It's a fabulous series because yeah. I come from an army background and I come from a police background, so I've seen how the life is. I've lived that life with my grandparents and my family, so I know how difficult it is. So I'm so happy when something yeah. like this comes up, and that too on 15th August. Something on a social issue, ki sab aware bhi rahe. और सबको पता भी चले कि हमें साइबर इंटरनेट तो सभी यूज़ करते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, आपके बच्चे उसमें कैसे फंस सकते हैं? यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, आप किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस मतलब कौन सी साइट पे कहाँ जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना मुझे ऐसा लगता है इंस्टिंक्ट आ ही जाती है कि भाई गलत जगह जा रहे हैं, बच जाओ निकल लो यहाँ से, बट तो वो फॉलो कर ले। एक्चुअली कई बार काफ़ी एजुकेटेड लोगों को भी नहीं आती है। आई टेल यू रियल इंसिडेंट, मेरे रियल अंकल, ही इज ऑफकोर्स ही इज़ वेरी एजुकेटेड, बट ऐसे ही फ़ोन पे उनका हैकिंग हुआ और उनके 3-4 लाख रुपये निकल गए, रीसेंट बात है ये, तो सोचो ये तो हमें 2-3 साल से हमें पता ही है, हमने जमतारा देखा, हमने काफ़ी वेब सीरीज हमारे आसपास में किसी ना किसी के साथ हुआ, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हैकिंग होती रहती है, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। साइबर सिंगम के थ्रू और अवेयर हो जाएंगे सब लोग। यस थैंक यू सो मच। थैंक यू।
वापस बुला लो वेल आई ऑलरेडी तिरंगे लग चुके हैं हमारे मेरे घरों में आपके घर में इट्स एवरीवेयर अभी सड़क पे आते हुए मैं सारी ऑटो रिक्शा और हर जगह देख रही थी कई कई बिल्डिंग में तो इतना ऑर्गेनाइज लगा है कि यू नो एक के पीछे एक लगा है सो इट्स सच अ प्राउड फीलिंग और बहुत अच्छा लग रहा है मतलब ऑलरेडी मेरे को तो गूज़बम्स आ जाओगे सो इट्स अ वेरी वेरी गुड वेरी गुड सारी मुंबई की सोसाइटीज़ आई थिंक सब खुद एफर्ट्स ले रहे हैं सबके घर घर तक तिरंगा पहुंचाया जा रहा है कि आप प्लीज़ लगाइए इट्स अ गुड एफर्ट पेट्रियोटिज्म सबके मन में दोबारा एंड आल्सो मैंने एक चीज़ और नोटिस की जो फ्लैग्स है ना वो सारे एक ही साइज़ के और एक ही फॉर्मेट में क्योंकि वो म्यूनसिपैलिटी दे रही है सो एक वो बहुत अच्छा सिमेट्री है सो इट्स समथिंग वेरी वेरी नाइस एंड एज इट इज़ आई लव द फ्लैग एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बट सभी से कि आफ्टर $15 फ्लैग भी संभाल के रखिए ऐसे भी कहीं उसका एक प्रोसेस है मतलब अगर आप यूट्यूब में जाएंगे तो एक फ्लैग को एक तरीके से फोल्ड किया जाता है आफ्टर होस्टिंग तो आपको उसी तरीके से होस्ट करना चाहिए और बाय चांस आपका फ्लैग खराब हो जाता है सो आप उसे डस्टबिन या कचरे में मत डालिए दैट्स अ रिक्वेस्ट तो ध्यान से रखिए वेल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको एंड थैंक यू कि आप सब हमारी बॉर्डर पे रक्षा करते हैं हमारा इतना ध्यान रखते हैं दैट इज़ व्हाई वी आर स्टैंडिंग हियर टुडे एंड इन फ्रंट ऑफ यू टॉकिंग टू एवरी वन ऑफ यू हम सब सुरक्षित फील करते हैं आई एम श्योर इंडिया में रह के सबको सुरक्षित फील होता ही है सो थैंक यू टू ऑल द सोल्जर्स हु आर फाइटिंग फॉर अस एवरी डे यस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जय हिंद जय भारत थैंक यू ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है आज की डेट में जैसे कि अभी जैसे जैसे इंटरनेट का यूजेज बढ़ रहा है हम लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ रही है इंटरनेट पे तो वैसे वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है आई थिंक बहुत ही अच्छा एक ये है कि एक बर्निंग करेंट टॉपिक पे इन लोगों ने वेब सीरीज़ बनाई है एंड आई एम श्योर कि इससे सब लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी बहुत बढ़िया लगा मुझे तो साइबर सिंगम का ट्रेलर नहीं देखिए जो भी चीज़ मीडिया में आती है उसके प्रति जागरूकता तो बढ़ती है सबकी तो अब ये एक टॉपिक के ऊपर लोग जब देखेंगे तो उनको जब पता चलेगा बहुत सारी चीज़ें उनके राइट्स के बारे में पता चलेगा कि क्या उनके साथ भी हो सकता है और वो किस तरह उसको टैकल करें तो आई एम श्योर ये सब इसमें कवर किया होगा इन लोगों ने तो इट्स अ वेरी वेरी वेल मेड सीरीज़ बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ से हर घर तिरंगा है और वो ये कि बस तिरंगे की रिस्पेक्ट बना के रखिए उसको दिल से फहराइए और उसके बाद दिल से संभाल के रखिए तो यू नो हर घर तिरंगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थैंक यू हाँ जी क्या बताना है बता ही दिया मैंने साइबर सिंगम बनाने में बहुत मेहनत करी है और नया OTT प्लेटफॉर्म है मुझे पता है कि बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म आ रहे हैं मार्केट में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया बट हमारे प्लेटफॉर्म में मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा किस कुछ सब्जेक्ट को सामने लाने के लिए जो कि आज तक किसी ने नहीं देखा मोस्टली रियलिस्टिक सब्जेक्ट को ही मैं फोकस कर रही हूँ साइबर सिंगम बहुत होप से बनाया है क्योंकि जितने भी बच्चे हैं मैंने पहले भी बताया कि मेरे होम टाउन से जुड़े हुए हैं सारे तो ये स्टोरी बहुत ही खास है क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि वेस्ट बंगाल से सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है तो मुझे इस पॉइंट को सामने रखना चाहिए और उससे भी बड़ी बात है कि सोशल मीडिया आपको सबको पता है कि सोशल मीडिया आजकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम बिना सोशल मीडिया के शायद 2 मिनट भी नहीं रह सकते विदाउट फ़ोन विदाउट कुछ भी तो सोशल मीडिया के जैसे एक अच्छा साइड भी है वैसे साइड इफ़ेक्ट्स भी है तो ये बेसिकली यही दिखाया गया है कि जैसे बड़े ख़ानदान में जो माँ बाप है जो वर्किंग है बच्चों को बस फ़ोन दे देते हैं हम भी सोचते हैं बहुत स्मार्ट है बच्चे की फ़ोन गैजेट्स फ्रिक हो गया है आजकल सब कुछ आता है उनको बट वो अच्छा तो है बट कितना बुराई है उसके ऊपर भी ये सीरीज़ है कि बच्चे कैसे सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी इंसान पे ट्रस्ट कर लेते हैं उनसे दोस्ती कर लेते हैं कैसे और यही दोस्ती कैसे वो गायब हो जाते हैं कैसे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे पहुंच जाते हैं तो इसी पे पूरी कहानी है मैं सच बताऊं तो बहुत कोऑपरेटिव थे सब और सबसे इम्पोर्टेंट है ना जब लोग खुद से दिल से काम करना चाहते हैं अब जब
जैसे हमारे यहाँ पे भी सारे लोग अच्छे काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि जब तक आप दिल से नहीं चाहोगे तो वो चीज़ आप कितने भी पेमेंट कर दो या कितने भी अच्छा मतलब उनको फैसिलिटीज़ दे दो, वो जब तक वो दिल से नहीं चाहेगा तो वो चीज़ निकल के नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे ना दिल से काम करना चाहते थे, जिस पहले द डे फर्स्ट जब उनका ऑडिशंस किया वो सब उस दिन से वेट करते मेरा शूटिंग कब है, मेरा शूटिंग कब है। तो कोई भी ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं हुआ और बच्चे इतने अच्छे हैं कि ये लोग सारे, हम लोगों ने जो गोडाउन वाले सीक्वेंस है जो भी इनके सीक्वेंस है हमने 2 दिन में ख़त्म किया, और 2 दिन सुबह से लेकर रात आई थिंक 14 घंटे से ऊपर शूटिंग शेड्यूल हो गया था, उन्होंने फिर भी नॉन स्टॉप काम किया, उनको अच्छा लग रहा था काम करना, तो यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है। देखिए अपकमिंग लाइनअप बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, अभी हमने ऑलमोस्ट 8 वेब सीरीज़ बना चुके हैं जो कि हम एवरी मंथ रिलीज़ करने वाले हैं हर महीना। फिलहाल इस साल और अगले मिड तक तो हमारे वेब सीरीज़ फुल है, और हम अभी आउटसोर्स भी कर रहे हैं बाहर, अगर कोई अच्छे प्रोजेक्ट हमें मिलता है तो हम उसे भी अपने प्लेटफॉर्म में जगह देने के लिए रेडी हैं। सॉरी सॉन्ग प्रोड्यूस करना, देखिए हमारे वहाँ पे आपको मिलेगा, हमने सॉन्ग भी रखा है बट अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट हमने कुछ 90s के जो सॉन्ग्स हैं उसको फोकस किया है कि 90s रिटर्न जो सॉन्ग्स होते हैं जैसे पुराने ज़माने में हम सुनते थे, तो उसी चीज़ को हम रिवाइव करना चाह रहे थे कि उसी को हम एक बार रिमेक करके, सेम सॉन्ग तो नहीं बट उस पैटर्न पे अगर कुछ गाना लाए, तो उसका एक कोशिश अभी चल रही है, अभी अभी हम बस उसी पे लगे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। और कोई है? यस हेलो 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 हाय बहुत अच्छा है और सबका काम भी बहुत अच्छा है, सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सुपर्ब है और करंट टॉपिक है, तो आई होप एंड वी विश देम ऑल द सक्सेस, ये बहुत अच्छा करें। आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप इसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू। 15 अगस्त काफ़ी स्पेशल दिन रिलीज हो गया। हाँ ऑफकोर्स अच्छे डे पे ये रिलीज़ हो रहा है और इतना सोशल पेट्रियाटिक टॉपिक है तो अच्छा काम करेगा। और प्रोजेक्ट के बारे में भी जानना चाहूँगा, कुछ नया प्रोजेक्ट आप लोग कर रहे हैं, द कैरेक्टर के बारे में बताइए। एक्चुअली इस एपेक्स पे हम लोग ऑलरेडी 5 शॉर्ट फिल्म कर चुके हैं, 7 सॉन्ग कर चुके हैं और जिसमें से 1 रिलीज़ हुई है, बाकी के 4 अभी पेंडिंग हैं और सॉन्ग्स पेंडिंग हैं। इसका एक पोस्टर है यहाँ पर, द कैरेक्टर, और जो कि कैरेक्टर, द कैरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट मेरा शॉर्ट फिल्म है जिसको मुझे, जिससे बहुत सारी उम्मीदें हैं मुझे। लेट्स सी। थैंक यू।